मामा 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 बोल देना बोल दिया। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। घूम के तो हम आ गए, 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है। आज थोड़ी सी धूप निकली है तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई है। मैं छत पे आई हूँ थोड़ी धूप लेने। पता, घूम के तो जो मज़ा आता है ना वो तो आता ही है, लेकिन घूम के आने के बाद सारा मज़ा जो है ना वो निकल जाता है। कपड़े धोना, घर को साफ सफाई करना, तो बैंड बज जाती है। 3 दिन हो गए, धूप ही नहीं निकल रही है, कपड़े धो के रखे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर करने में ही सारा दिन बीत जाता है। जब हम आए ना तो मैं ऊपर आई, एकदम से देखा, ये देखो कितने सुंदर फूल और बड़े बड़े फूल आए हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना। आजकल रोज़ का सीज़न है ना, सर्दियों में रोज़ खिलता है, तो इतने बड़े बड़े देखो, ये इतने सुंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। और मल्लन साहब के तो मजे हैं, यहाँ बैठे धूप सेक रहे हैं। तो तुम भी धूप सेक सकते हो, तुम भी सनबाथ ले सकते हो। काम कौन करे, थोड़ी देर आप बैठो धूप में, थोड़ी देर नीचे बैठो, मैं आ जाती हूँ। तो कपड़े देखने आई थी, अभी तक कपड़े सूखे नहीं है। और यहाँ पे ये मेरे दो चानन चिराग, ये रजाइयों में घुसे हुए हैं। तुम भी थोड़ा जाके सनबाथ ले लो। पापा सनबाथ ले रहे हैं और क्या। पापा को एक्चुअली टैनिंग की जरूरत है, पापा फॉरेनर है ना। विटामिन डी चाहिए होता है। रजाइयों में घुसे हुए, और ये जब से ये आई है इसको उतार लो। अब ये मेरी पांडा जैकेट है, बस एक के पीछे ही पड़ गया, जब से आई है उतार ही तक नहीं है। ये 10 दिन हो गए हैं, मैंने भी सोचा एक दिन तो भाई छोड़ेगा, मैं भी पहनूंगा। भाई पहन के सो जाता है कि रात में ना उठा लूं मैं, हाइबरनेशन पे आता हूं मैं इससे। वो वेट कर रहा है कि कब तू उतारे, कब मैं पहनूं। ये ले गया फोन। तो आज आप व्लॉग चालू करने वाले हो, जीजू आज हमारे साथ, जीजू जीजू व्लॉग चालू करने। बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ और वेलकम बैक टू ना 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 आपको बोलना है गुड मॉर्निंग गाइस, उठ गया हूँ, ऐसे करो। ये तो तूने कर लिया ना, मैं कुछ और करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ और आज हम है डिम्पल्स किचन में। तो आज हम कुकिंग करना सिखाएंगे डिम्पल को। तो मम्मी आपको कुकिंग करना सिखा दी, इसमें हमें बनाना है। क्या बना रहे हो, हर्ट हो गई मम्मी, ये क्या बना रहे हैं? तो आपने सिखाना, आप बताओ क्या बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं सूप, सूप 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 बना रहे हैं। इसमें बनाना सिखा रहे हैं। हाँ, इसमें हम पनीर डालेंगे थोड़ी, ताकि हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, प्रोटीन थोड़ा मिले सबको। और अशर को भी पिलाएंगे आज सूप। ओह माय गॉड। और भाई यहाँ पर मम्मी ने सूप बनाना सिखा दिया जीजू को। और अरे मैंने सिखा दिया मम्मी को। ओ सॉरी जी, मम्मी ने सिखा दिया जीजू को। अरे नहीं, मैंने सिखा दिया। ओ सॉरी, मम्मी ने सिखा दिया जीजू को। तो ये वही लड़का है जी जिसने ये टेडी ड्रेस पिछले एक हफ्ते से नहीं उतारी है। अशर कह रहा हूँ, अभिषेक नहा लिया कर भाई, नहा लिया कर। छोटा अशर मैं हूँ। अबे बड़ा अशर नहा लिया कर, रोज नहा के कपड़े यही पहनता हूँ। इतनी ठंड में भी अशर की रोज मसाज होती है, रोज नहाता है, तो एटलीस्ट मसाज कराकर नहा तो लिया कर। मैं रोज नहाता हूँ जीजू, पर मैं कपड़े यही पहन लेता हूँ क्योंकि ये बहुत कोजी कम्फी है, मैं पूरा विंटर इसमें निकालने वाला हूँ। ये बात भाई साहब, इतना सारा पानी था नारियल पानी में। ओहो हो, मम्मी का पानी पानी हो गया। हाँ लो भाई, मम्मी ने खोल दिया ये। अब आप ये देखो, ये आपके हिस्से का सूप पी गई। और यहाँ पर नानू और अशर खेलते हुए। एड़े अशरी मामा, अशरी मामा, अशर को अशर अशर ने भाई आज बहुत बहुत मेहनत कराई है मुझसे। नानू मैं नानू होगा तुम आप क्या हो फिर? मैं तो उसका फ्रेंड हूँ, छोटे भाई, अशर के छोटे भाई। गाइस अशर के छोटे भाई, छोटू अशर भाई खुद से खड़ा हो गया वो। तो गाइज यहाँ पर अशर नानू के पास आ चुका है। नानू नहीं, सॉरी पापा, क्या है ये? माय फ्रेंड, छोटा भाई अशर विद हिज छोटा भाई। मैं बीनू। अशर राइट नाउ ओनली वांट्स टू ईट, वो कह रहा है ये पांच जाने मिलके मेरे को सिर्फ खिलाई जा रहे हैं। ओहो हो पापा, अशर पे फोकस करो, खाने पे नहीं, पापा का फोकस सिर्फ अपने खाने पे है। भाई राम देखो, वो किन्ने पे आपको फोकस, खिलाओ तो सही, बेचारा कैसे आपके हाथ से ले रहा था। नो नो, आपको पता है आपके पास आता ही क्यों है?
क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। पापा की लेग्स के साथ चिपक जाता है। आपके पास नहीं आता अशर, लगता है अशर को नानी से ज्यादा प्यार नानू से है। लेग्स ऐसा है क्या मम्मी? नहीं, नानू को देख के तो वो जाता है। कोई वो नहीं, कोई वो नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के प्यार का। लगता है नोनू थक चुका है आज। नोनू ने बहुत ज्यादा बेबी सिटिंग करी है अशर की और इज टायर्ड। भाई ने मेरे को भाई घूसे लाते। नोनू की मसाज करवाओ आज फिर से। मसाज करवाएगा अशर से? अशर घूसे लाते जूते सब सब मारे। मामू को वो कर दो मसाज। भाई को माइनक्राफ्ट खिलाने बैठा मैं। मैंने माइनक्राफ्ट अनइंस्टॉल कर दी इसको खिलाने के चक्कर में। क्या बात कर रहा है? अरे भाई ने पूरा गो लाइव चला गया। गो लाइव भाई ने गो लाइव का बटन दबा दिया। क्या बात कर रहा है? डोंट डिस्क्लोज बाकी सब वीडियो। क्या बात कर रहा है वीडियो में? क्या बात कर रहा है? खाना नहीं है भाई इसको। अगर अशर एडिबल होता तो मैं ही खा जाता इसको। तो मम्मी सबके लिए क्या बना दिया? सुपर रेडी है। लेट्स गो गाइस। तो मैं और अशर चले पार्टी करने। अशर को मेरे से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है। अशर अशर बोलो हेलो। अशर बेबी बोलो हेलो। हेलो 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 अशर बेबी बोल के दिखाओ जल्दी। हेलो बोल के दिखाओ। हेलो अरे मेरी इज्जत का सवाल है, बोल दो। हेलो 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 मामा बोल दो। चल मामा 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 बोल देना। बोल दिया। अब अशर जा रहा है अपने बड़े मामा के पास। अशर गो। अशर अशर ही इज नॉट इंटरेस्टेड यार। ही डजंट लाइक बिग मामा। क्या बोल ले? खुद आ रहा है मेरे पास। ओहो हो हो हो। अरे पकड़ लियो भाई, गिरना जाए बस। वाओ भाई साहब, आप चाहते क्या हो? ब्रदर सूप पियो। आप मेरी इतनी सेवा, ऐसा तो बहुत सालों में कभी कभी होता है। थैंक यू बहन, ये सूप तो मैं पीऊंगा नहीं, इसको घर पे सजा के रखूंगा। ये देखो ये रख दिया मैंने, फ्रेम कर ले सूप को। अशर आया हुआ था घर में, इतनी रौनक थी, इतना शोर शराबा था। अब वो चला गया तो घर में बिल्कुल शांति हो गई है। और ये फिर से आ गए अपनी जगह पे। बस यार दिल्ली मम्मी मेरे को दिल्ली से दे जाओ दूर प्लीज। दिल्ली में बहुत ठंड है, कोई काम नहीं हो सकता भाई दिल्ली में। यार ऐसा नहीं चलेगा। वापिस से फिर चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर छोड़ो हम ना भाई, सिंगापुर नहीं जा सकते। वहाँ जाते ऑक्सीजन की कमी हो गई थी मेरे को, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ही नहीं था। अब दिल्ली आके ठीक हुआ हूँ मैं कुछ। पापा देख लो कैसे रोस्टर वो रखे हैं, एक नंबर। आई लव माई दिल्ली। कितना भी पोल्यूशन हो मैं तो यही रहेगा। क्योंकि आदत बन चुकी है। अब आदत हो गया, अब नाकों को आदत है। वी आर इम्यून टू इट। पोल्यूशन हैबिचुअल हो चुके हम। अब क्या ढूंढ रहे हैं? ऊपर की चाबी नहीं मिल रही। चाबी अपनी पॉकेट में देख। वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बात बोल दी है। हाँ तो पॉकेट में ही होती है तेरे, देख। अरे चाबी नहीं है भाई, इस पॉकेट में फोन है। किसी को चाबी पता है? किसी को चाबी पता है? ये रख के बैठे होंगे। मेरे को तो बेटा बांस का पता है, चाबी का कहीं नहीं पता। उसका क्या करते हैं पापा? है? उसका क्या करते हैं पापा? भाई वो अपने जो ऊपर पार्क बना रखा ना, हाँ तो पौधे जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको फिर सीधा करते हैं। ओ ये पापा हमारे हैं तो देखो बहुत नोटी। वैसे नोटी हो रहा है के? नोटी हो रहा है के? पापा तुम्हारी सोच नोटी है। आई एम नॉट नोटी। दवाई कह रहा हूँ, चाबी बता दो किधर है। जाओ भाई उसकी चाबी ढूंढवा दो। माँ चाबी ढूंढ दे। हे माँ माता जी चाबी ढूंढ दे। तेरा दरवाजा खुला ही पड़ा होगा, जब चाबी नहीं मिलती तो मतलब तू लॉक करके नहीं आया। मेरे को तो लगता है मैं लॉक करके आया था। ये पेट के साथ साथ मुझे लग रहा तेरे थोड़ा सा पेट खराब है ना।
अरे क्या करूं भाई, जवानी आने से पहले बुढ़ापा आ चुका है, बुढ़ापे के साथ साथ लगता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, गजनी सब बन चुका हूं भाई। अगर भाई वार्ड ऊपर दरवाजा खुला हुआ होगा ना, चल चले चल, पक्का खुला होगा। मैं नहीं मान सकता, मैं पक्का लॉक करके आया था। खुल जा सिम सिम, चाबी पर ओ देखा मैंने क्या बोला था तेरे को, चाबी मिल गई। हो अब मान रहा है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अरे भाई पागल हो चुका हूँ, कुछ याद नहीं रहता, पूरा दिन बस सोता रहता हूँ, ठंड इतनी है कुछ नहीं करने का मन करता भाई, क्या जिंदगी हो चुकी है। अब कमेंट्स में लिखेंगे लोग अस भाई अस, सबका यही हाल है। पहले चाबी भूल गया, अब पानी की बॉटल। मेरा इलाज करवा दो भाई, भूला राम बन गया तू। मेरा इलाज करवा दो भाई, मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा ना तो मेरे को फिर कुछ याद आएगा। मम्मी एक कॉफी भी पिला दो, पेट खराब है तेरा। अरे कुछ कोई चीज रह गई है जो मेरे नहीं है, दस्त मेरे को लग चुके हैं। अब तो ये भी नहीं बोल सकता दस्त लगे हैं। तू यही खा। क्या है ये आम पापड़? आम पापड़ में भी आम पापड़ तो है ही नहीं, जरा चूरा रह गया उसका, इसको क्या खाऊं मैं। पेट खराब वालों को सिर्फ चूरा ही खाना मिलता है। चाबी मिल गई? चाबी मिल गई। क्या ना मिली, खुला पड़ा था वो तो, मैं पहले ही से कह दिया कि खुला होगा 101%। हां जी की चाहिए? हां जी की चाहिए तो वो देखो आ गया। मुझे तो भैया ही चाहिए अपने। भैया जी आ जाओ, भैया जी आ जाओ, थोड़ी जादू की झप्पी दे दो। नाराज हो गया वो आपसे? मेबी बहुत नाराज हो गया हूँ मैं। अब्बू को तो सब पता है, अब्बू बहुत ज्ञानी है भाई। गॉड कैसे आपको इतनी नॉलेज कैसे है? मैं पता है किसका पुत्र हूँ, मिस्टर ज्ञानी विनय मोहन। आज इनके दोस्त इनको पता है क्या मैसेज करते हैं, कह रहे हैं बाबा देव हमारे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ज्ञानी भाई, आपकी क्या राय है इस बारे में बताइए ना आप। मैं का मतलब हम नहीं सिर्फ पूरी दुनिया पापा को कहते हैं पापा सबसे ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान इनको भी दे दो। वो दीपक तले अंधेरा होता है ना, ज्ञान दूसरों को बांटा जाता है, अपनी औलाद को नहीं बांट सकते। इश्क चेचना